हेलो फ्रेंड, आज सेकेंड डे है आपका कंपाउंड एंगल में। इस वीडियोस में आज हम लोग कंपाउंड एंगल के बेस्ड पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड दिस रिलेशन इज होल्ड, तो थीटा कितने डिग्री के इक्वल होगा, डिग्री या रेडियन जो भी होगा 0 से 90 के बीच। देखिए आपको ये है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में। आप इसको एक एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमेशा मेमोरी में रखिए साइन का कॉफिशियंट्स एंड कॉस का कॉफिशियंट जो भी है दोनों को सेपरेटली स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और अंडर रूट लीजिए। जो भी टर्म आपको आते हैं उसको इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ साइन का कॉफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर 1, इसका होल स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2। तो इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए। देखिए तो ये 2 साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, यहाँ से हो जाएगा कॉस 10 डिग्री प्लस 1 बाई 2 साइन 10 डिग्री। ऐसा करने से हमारे स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप लिखिए साइन 60 डिग्री और इसको आप लिखिए कॉस 60 डिग्री। इसको लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री और इसको लिखेंगे कॉस 60 डिग्री और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 70 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर थीटा इक्वल्स टू 70 डिग्री होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पहले आईआईटी में उसके बाद जेई मेंस में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टैन ए प्लस बी इक्वल्स टू पी एंड टैन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्यू। आपको चाहिए cot 2b, तो सबसे पहले आप tan 2b का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो tan 2b को आप लिख सकते हैं tan a प्लस b माइनस a माइनस b। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए और ए कैंसिल, ये टू बी हो जाएगा। ऐसा लिखने का एक ही पर्पस है कि इस एंगल और इस एंगल के फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ है। आप इसको मन में वन एंगल, इसको मन में वन एंगल, इसको मान लीजिए अल्फ़ा, इसको मान लीजिए बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, टेन ए प्लस बी माइनस टेन ए माइनस बी अपॉन वन प्लस टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी। ओके, अब इसका फार्मूला पुट कर दीजिए, टेन ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी माइनस क्यू अपॉन वन प्लस P इंटू क्यू आएगा। ये किसके बराबर है, tan 2b के इक्वल्स। अब हमें क्या चाहिए, cot 2b, तो यहां से cot 2b किसके बराबर, 1 प्लस P इंटू क्यू अपॉन P माइनस क्यू।
जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देना था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को वन बाय वन इसको आगे बढ़ाते हैं। हमें कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ वन ऑफ द कंडीशन कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू टू। तो कॉट ए इंटू कॉट बी को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं कॉस एंड साइन में। कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, कॉट बी को लिखते हैं कॉस बी बाय साइन बी इक्वल्स टू टू। तो यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू टू टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कीजिए। कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव। कॉस ए इंटू कॉस बी किसके बराबर दिया है, टू टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव। तो यहाँ से साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थ्री बाय फाइव। ओके, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आसान होते जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है ये, हमने ऑप्शन नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, तब कह रहा है कि टैन ए टैन बी टैन सी आर इन, ऑप्शन में था ए पी जी पी एच पी एंड ए जी पी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं टैन ए टैन बी और टैन सी में क्या कंडीशन आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इक्वल्स टू टू बाय टैन बी। इसको हम इधर ले गए, फिर इसको इधर ले गए और इससे इसको डिवाइड कर दिए। साइन ए प्लस सी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस सी कॉस ए इंटू साइन सी होल डिवाइडेड बाय साइन ए साइन सी इक्वल्स टू टू बाय टैन बी। इससे इसको आप टोटल टर्म को डिवाइड करेंगे, साइन और साइन कैंसिल, ये क्या हो जाएगा कॉस सी बाय साइन सी कॉट सी, कॉट सी को लिखिए वन बाय टैन सी प्लस। इसको इससे डिवाइड कीजिए, साइन और साइन कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट ए, यहाँ से हो जाएगा वन बाय टैन इक्वल्स टू टू बाय टैन बी। और याद रखिएगा ए बी सी आर इन ए पी, तो बी इक्वल्स टू होता है ए प्लस सी बाय टू, और एच पी में हो तो यही कंडीशंस होते हैं बी इक्वल्स टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। आप इसको सॉल्व कीजिए वही आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लीजिए टेन ए
टेन सी अपॉन, यहाँ प्लस होगा, अपॉन टेन ए टेन सी इक्वल्स टू टू बाय टेन बी। यहाँ से टेन बी किसके बराबर हो जाएगा, टू टाइम्स टेन ए इंटू टेन सी अपॉन टेन ए प्लस टेन सी। यही आपका कंडीशन होता है एच पी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर आंसर विल बी टेन ए टेन बी एंड टेन सी आर इन एच पी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन एम एंड एन का वैल्यू दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू अब पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एन। सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एम का वैल्यू किसके बराबर है, साइन ए अपॉन साइन बी। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर माइनस एन किसके बराबर है, कॉस ए अपॉन कॉस बी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी और इनटू साइन स्क्वायर बी। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इससे कैंसिलेशन हो जाएगा ए। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और इससे इससे हो जाएगा, हो जाएगा टेन स्क्वायर बी। अब आप देखिए कोई भी ऑप्शन में वन है, इसीलिए वन आना चाहिए। ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। अब यहाँ से वन माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर बी। वन प्लस टेन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर बी। ये जो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू या वन प्लस टेन स्क्वायर बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी। यहाँ से जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये जो सेक स्क्वायर बी है इसको वन अपॉन कॉस स्क्वायर बी, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, कॉस ए अपॉन कॉस बी किसके बराबर दिया हुआ है, एन के बराबर। यहाँ से हो जाएगा वन माइनस एन स्क्वायर के। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस कीजिए, आइडिया आपको आते जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दो कंडीशन आपको दिए हुए हैं और साइन ए अपॉन साइन बी पूछा जा रहा है, तो वन बाय वन सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ बी आ गया, जहाँ बी था वहाँ पर ए आ जाएगा, कोई और ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा इसके और इसके कंडीशन में। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, टैन ए को लिखिए साइन ए अपॉन कॉस ए और इसको लिखिए आप एक्स साइन बी अपॉन वन माइनस एक्स कॉस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन ए माइनस एक्स साइन ए
इंटू कॉस बी इक्वस टू एक्स कॉस ए इंटू साइन बी। इसको इस साइड ले जाएंगे तो साइन ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी होगा और इसको सॉल्व करेंगे। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जहां ए था वहां बी आ गया, जहां बी था वहां ए आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किए हैं तो ये आया है, इसको सॉल्व करेंगे जहां जहां आपका ए है वहां बी आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा साइन बी और ये हो जाएगा वाई और यहाँ ए की जगह बी, बी की जगह ए, तो फाइनली ए प्लस बी ही होगा। और हमें क्या कहना है, साइन ए अपॉन साइन बी। अब इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई के इक्वल होंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, आपको कंडीशन दिया हुआ है दिस प्लस दिस इक्वल्स टू थ्री और इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना। ए प्लस बी, लेट अस सपोज इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी थ्री के इक्वल्स। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है। इसको स्क्वायर करेंगे तो जगह टेन स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस थीटा, यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस थीटा प्लस टू टाइम्स टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा, टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा इक्वल्स टू नाइन। यही आपको फाइंड आउट करना है। इसको लिखेंगे आंसर प्लस टू टाइम्स टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। इसको एक्सपेंड करेंगे आप वन माइनस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू नाइन। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर प्लस टू इक्वल्स टू नाइन, आंसर इक्वल्स टू सेवन। इस क्वेश्चन का आंसर सेवन होगा। वन मोर क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस कंपाउंड एंगल से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जो भी डाउट होंगे आप जो नंबर मेंशन है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय फोर है, तो वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी क्या होगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, इसको थोड़ा सा मेमोरी में रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं क्या होगा, वन प्लस टेन ए टू वन प्लस टेन बी। ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय फोर दिया हुआ है, दोनों तरफ टेन ले लीजिए, तो टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन पाई बाय फोर वन के बराबर। टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी
इक्वस टू वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, टेन ए प्लस टेन बी इक्वस टू वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसको इधर ले आइए, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इक्वस टू वन। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वन ऐड कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा वन प्लस टेन ए, इस दोनों से टेन बी कॉमन ले लीजिए, वन प्लस टेन ए इक्वस टू टू, वन प्लस टेन ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा वन प्लस टेन बी इक्वस टू टू। ये जो आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वन प्लस टेन वन डिग्री, वन प्लस टेन टू डिग्री डॉट डॉट वन प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे वन से स्टार्ट होके 45 डिग्री तक गया हुआ है, देयर आर टोटल 45 टर्म, हमें एंगल का सम कितना होना चाहिए 45 डिग्री। अब देखिए 1 प्लस टेन वन है, 1 प्लस टेन टू डॉट डॉट का मतलब है किसी तरह से बढ़ते जा रहा है, तो 1 प्लस टेन वन यहाँ से 1 प्लस टेन 44, ये दोनों मिल के 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली 1 प्लस टेन टू इंटू 1 प्लस टेन 43, ये भी दोनों मिल के 2 के बराबर होगा। इसी तरह से दो दो का ग्रुप बनाते जाएंगे, तो आपको इस टर्म को छोड़ दिया जाए तो ये सभी का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स तक, 22 टाइम्स तक, क्योंकि ये टोटल 44 टर्म है, 22 इधर 22 उधर, तो यहाँ से इस दोनों का मिल के 2 के बराबर, फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट में 2 के बराबर, और यहाँ से होगा 22 टाइम्स, और लास्ट में ये बच जाएगा आपका 2, दैट मीन्स इस टोटल का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 23 टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 23। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में बनते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री में जितना इसका लेंथ है उससे ज़्यादा इसमें फार्मूले हैं, फार्मूले रट लेने से आपके क्वेश्चन नहीं बनने जा रहे हैं, फार्मूले के साथ आप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ कॉमन सेंस। तो आज के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।